हेलो फ्यूजोशीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजोशी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए थाई बीएल ड्रामा क्रेजी हैंडसम रिच का आखिरी एपिसोड लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने ये ड्रामा नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थियान सभी के जूस में नींद की दवा मिला देता है, जिससे सभी चैन की नींद सो जाते हैं। उसके बाद वो बड़ी चालाक किसे लव को अपने कमरे में बुलाता है और उसे नींद की दवा सुंघाकर बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि थियान थॉड के कमरे में आता है। पहले तो वो उसका मजाक उड़ाता है, उसके बाद वो उस कमरे में कुछ ढूंढने लगता है। थियान को थॉड की डायरी मिलती है जिसमें लव का लॉकेट भी होता है। डायरी निकालते वक्त लॉकेट गिर जाती है। उसे उठाने के चक्कर में थियान भी अपने व्हील चेयर से गिर जाता है। तभी उसे एक फ़ोटो मिलती है जो डायरी के अंदर से गिरी थी। वो फ़ोटो देखकर थियान को यकीन नहीं होता है कि क्या ये फ़ोटो सच है। वो उस फोटो को अपने पॉकेट में रख कर चेयर पर बैठने की कोशिश करने लगता है कि तभी थर्ड और थीप भी वहाँ पर आ जाते हैं। थियान उन्हें जगा हुआ देखकर चौंक जाता है और रोने का नाटक करने लगता है और उसे चेयर पर बैठाने के लिए मदद करने को कहता है। तभी थॉड भी जाग जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डिनर करने से पहले उन लोगों ने नींद की गोली को बर्थ कंट्रोल की दवा से बदल दिया था, जिस वजह से वो लोग सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे। थॉड गुस्से में थियान से पूछता कि आखिर वो है कौन। थियान फिर से इस घर का वारिस होने का राग अलापने लगता है, इसलिए थर्ड गुस्से में व्हीलचेयर को जोर की लात मारता है। थियान गुस्से में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपनी उंगलियों को सीधा करता है, जिससे सभी को ये पता चलता है कि थियान बस अपाहिज होने का नाटक कर रहा था। थॉड थियान से वसीयत के बारे में पूछता है, जिस पर थियान चिल्लाकर कहता है कि ये सवाल तो उसे थॉड से पूछना चाहिए, आखिर उसने वसीयत कहाँ छुपा कर रखा है। थियान सभी को बताता है कि वो यहाँ पर इस घर का असली वारिस और असली वसीयत ढूंढने आया है। जब उसे असली वारिस मिल जाएगा तो वो उसे मार कर इस घर पर अकेला वारिस बन जाएगा। साथ ही साथ थियान ये भी बताता है कि थॉड को पता है कि असली वसीयत कहाँ है और इस घर का असली वारिस कौन है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। थॉड एक्सेप्ट करता है कि थियान जो बोल रहा है वो सच है। उसके बाद थियान सभी को फैमिली फ़ोटो दिखाता है जो उसे थॉड की डायरी से मिली थी। थियान एक और राज खोलता है कि वो उनके अंकल थॉड का बेटा है और थॉड थियान और थेप अपने माँ बाप के असली बेटे नहीं हैं, बल्कि गोद लिए हुए बेटे हैं। ये सुनकर तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, पर हैरानी की बात ये होती है कि थॉड को इस बारे में भी पहले से ही पता था। थियान थॉड को लव का लॉकेट दिखाकर उससे असली वारिस के बारे में फिर से पूछता है ताकि वो उसे मार सके। थॉड घबराकर थियान से पूछता है कि वो लव के साथ क्या करने वाला है। थॉड भागकर लव के पास जाता है पर उसे लव कहीं नहीं मिलता है। थियान भी उनके पीछे जाने वाला होता है पर थॉड उसे मारकर बेहोश कर देता है। थीप को पता होता है कि लव कहाँ हो सकता है। उसने लव को जो घड़ी पहनाई थी उससे वो लव के लोकेशन को अपने फ़ोन में ट्रेस कर सकता है। थॉड जल्दी से लव को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉड के अंकल थॉड ने चंद के साथ मिलकर लव को किडनैप कर रखा है। थॉड अपने आदमी को थियान को कॉल करके यहाँ बुलाने को कहता है, क्योंकि आज वो किसी भी तरह पूरे जायदाद को अपने नाम करके ही रहेगा। उसके बाद वो और चंद मिलकर लव को होश में लाते हैं। अपने आप को बंधा हुआ पाकर लव डर जाता है और उसे खोलने को कहता है। उसके बाद वो थॉड से पूछता है कि आखिर वो कौन है। चंद और थॉड लव को फैमिली फोटो दिखाते हैं जिसमें वो खुद की माँ की फ़ोटो देखता है। उसे समझ नहीं आता है कि उसकी माँ उस फोटो में क्यों है। थॉड फाइनली सारे राज से पर्दा हटाता है और लव को बताता है कि उस घर का असली वारिस कोई और नहीं बल्कि लव है। ये सुनकर लव चौंक जाता है। तभी शॉन और शिन लव को वहाँ पर बचाने आते हैं जो असल में पुलिस होते हैं। थॉड चंद को उन्हें भगाने को कहता है। चंद और शिन शॉन की आपस में लड़ाई होने लगती
होती है। छन डर कर वहाँ से भाग जाता है। शॉन छन के पीछे भागता है और शिन लव को बचाने के लिए अंदर आता है। लव को एक और झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि शिन एक पुलिस वाला है। थर्ड और शिन आपस में भिड़ जाते हैं। थर्ड शिन को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी थर्ड हीरो की तरह एंट्री लेता है। थर्ड के सामने गोली तान देता है लेकिन थर्ड उसे मारकर गिरा देता है। थर्ड लव को खोलने जाता है कि तभी थर्ड के गुंडे वहाँ आ जाते हैं। थर्ड थर्ड से कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो सारा पैसा ले सकता है, बस उन्हें जाने दें। लव भी प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। लव की बातें सुनकर थर्ड कहता है कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बातें करते हैं। जब वो बंदूक की नोक पर उसकी माँ को रख कर अपने भाई से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहा था, तब उस वक्त उसकी माँ ने यही कहा था कि वो लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, बस थर्ड उन्हें जाने दें। उस दिन होता ये है कि जब थर्ड उनको धमकी दे रहा था उसी वक्त थर्ड वहाँ आ जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर लव की माँ एक बॉक्स लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसी वक्त थर्ड थर्ड के दिमाग में गलत फहमी भर देता है कि उसकी माँ उसके पापा को इस हालत में छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। जब थर्ड वापस आता है तो देखता है कि लव की माँ असली वसीयत लेकर भाग गई है। सभी को कहानी सुनने में बिजी देखकर थर्ड और शिन उन लोगों पर हमला कर देते हैं। शिन उस गुंडे के पीछे जाता है जो किसी तरह थर्ड के हाथों से बचकर निकल गया था। अब थर्ड और उसके अंकल के बीच में मारपीट होने लगती है। थर्ड थर्ड को हराने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो लव को फ्री करने जाता है पर उससे रस्सी नहीं खुलती, इसलिए वो लव को कुर्सी के साथ ही वहाँ से ले जाता है। घर पर थर्ड लव को उसका लॉकेट वापस करता है और उसे मिस्टर टैन कहकर पुकारता है जो लव का असली नाम है। थेप लव को डायरी देता है जिसमें उसकी तस्वीर बनी होती है। इस तस्वीर के पीछे की कहानी ये होती है कि लव की माँ शादी के कई सालों के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो मारी के पास अपना भविष्य दिखाने जाती है। मारी बताती है कि उसके जीवन में उसका एक बेटा होना लिखा है। वो डायरी में लव की तस्वीर बनाकर उसे देती और कहती है कि ये उसका वारिस बनेगा। लव को कहानी पर यकीन तो रहता है पर फिर भी वो इस बड़े से घर में रहने के बजाय अपने पुराने घर चला जाता है क्योंकि अचानक इन सारी बातों को अपनाना उसके लिए आसान नहीं था। थर्ड उसके पीछे जाना चाहता था पर थर्ड उसे रोक देता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। लव इनके साथ दुकान पर बैठा हुआ होता है तभी अंकल वान वहाँ आते हैं और लव से पूछते हैं कि वो क्या देख रहा है। लव वान को आईफोन दिखाता है जो थेप ने खुद बनाकर उसे दिया था। इसके बाद ममोंग भी वहाँ आ जाता है और अपनी बकबक शुरू कर देता है। अंकल वान ममोंग को ज़बरदस्ती अपना काम कराने के लिए वहाँ से ले जाते हैं। इन लव से पूछता है कि वो ठीक तो है। लव जब बताता है कि वो ठीक है तो इन कहता है कि जब भी लव उसके साथ होता है तो वो बहुत खुश रहता है। उसी तरह वो चाहता है कि जब वो लव के साथ हो तो लव भी खुश रहे। थोड़ी देर बाद थर्ड वहाँ आता है और लव को उसके साथ चलने को कहता है। इन और थर्ड आपस में लड़ने लगते हैं। उसी वक्त थर्ड इनके हाथ में पुरानी चोट नोटिस करता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो इन ही है जो बचपन में उसकी मदद करते वक्त गिर गया था। वो इन से झगड़ा करने के लिए सॉरी बोलता है। उसके मुँह से सॉरी सुनकर इन भी चौंक जाता है। उन दोनों को लड़ाई करता देख लव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थर्ड लव के पीछे जाता है और उसे वापस घर चलने को कहता पर लव मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि थर्ड और उसके भाई पहले से उस घर में रहते आए हैं, इसलिए उसका उस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होना चाहिए। और एक तरह से देखा जाए तो वो और थर्ड दोनों भाई हुए, इसलिए थर्ड का उसके करीब आना सही नहीं है। लेकिन सच तो कुछ और होता है, इसलिए थर्ड लव को पूरा सच जानने के लिए घर चलने को कहता है। अब तो लव भी चौंक जाता है कि क्या और सच अभी बाकी ही है। थर्ड लव को अपने गोद में उठाकर घर लाता है जहाँ उसे पता चलता है कि मारी ने उसकी माँ को बताया था कि उसके बच्चे के जान की खतरा है। उसे बचाने के लिए लव की माँ को तीन बच्चे गोद लेने होंगे। मारी उन तीन बच्चों के लिए लॉकेट देती है जो एक ताबीज का काम करेगी। ये ताबीज उसके फैमिली को हर मुसीबत से बचाएगी। जब लव ये बात सुनता है तो वो एक एक करके अपने चाबी वाले लॉकेट से उनके लॉकेट खोलने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो थर्ड और थेप का लॉकेट खोलता है। थर्ड मन में प्रे करता है कि बस उन दोनों की लॉकेट किसी तरह ना खुले, शायद भगवान ने उसकी सुन ली होती है क्योंकि थर्ड और थेप का लॉकेट नहीं खुलता। उसके बाद लव थर्ड का लॉकेट खोलने की कोशिश करता लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसका
का भी लॉकेट वो नहीं खोल पाता, जिससे दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। लव को समझ नहीं आता है कि आखिर वो कोई भी लॉकेट क्यों नहीं खोल पा रहा, आखिर उसकी चाबी किस काम की है। तभी इन और अंकल वान वहाँ पर एक बहुत बड़ी संदूक लेकर आते हैं, उसके अंदर एक और बॉक्स होता है। लव अपने चाबी से उस बॉक्स को खोलता है। थॉट प्रॉपर्टी के मामले में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। बॉक्स के अंदर लव को एक लेटर मिलता है। सभी बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं कि अब उस लेटर में कौन सा राज छुपा हुआ है, लेकिन उस लेटर में उसकी माँ ने ये लिखा होता है कि जब तक लव उस लेटर को पढ़ रहा होगा तब तक वो इस दुनिया से जा चुकी होगी। वो उन्हें ये बताना चाहती है कि वो अपने सभी बच्चे को एक बराबर प्यार करती हैं, इसलिए वो एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखें। उन्होंने अभी तक मारी को उसके काम के पैसे नहीं दिए, इसलिए लव मारी को पैसे दे दें। सभी लोग निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। लव को समझ नहीं आता है कि अब मारी को पैसे कौन देगा। उस दिन के बाद से लव उस घर में रहने लगता है और उसे अपना घर भी समझने लगता है। तभी पैर फिसलने की वजह से वो गिरने वाला होता है कि वो जोर से थर्ड का नाम पुकारता है। थर्ड गार्डन में काम कर रहा होता है, जैसे वो लव की आवाज़ सुनते हैं वो भाग कर आता है और उसे गिरने से बचा लेता है। बिल्कुल टिपिकल इंडियन सीरियल की तरह, जहाँ हीरोइन गिरते रहती है फिर भी हीरो चांद से वापस आकर उसे बचा लेता है। पता नहीं क्या दिखा रहे हैं इस ड्रामे में। एनीवे, आगे हम देखते हैं कि लव थर्ड से उसे छोड़ने को कहता है। उसे डर होता है कि कोई उन्हें इस तरह देख लेगा, पर थर्ड उसे नहीं छोड़ता है, जिस पर लव कहता है कि वो बाद में पछताना नहीं चाहता है क्योंकि थर्ड उसका सोलमेट नहीं है। थर्ड भी लव से कहता है कि अगर वो इस चाबी से लॉकेट खोल देगा तो वो लोग सोलमेट्स बन जाएंगे। थर्ड दोबारा अपने लॉकेट खोलने की कोशिश करता है, लकली इस बार उसकी लॉकेट खुल जाती है, जिससे अब वो लोग सोलमेट्स बनते हैं। लव भी बहुत खुश होता है। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इस तरह इनकी हैप्पी एंडिंग होती है और इस कहानी का भी एंड होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि थियान का क्या हुआ, तो उसे किसी काल कोठरी जैसे कमरे में बंद करके रख दिया जाता है और फाइनली ये ड्रामा यही ख़त्म होता है। अपने नाम की तरह ये कहानी भी बहुत ही क्रेजी थी। ट्रस्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने क्या सोचकर ये कहानी बनाई। मैंने किस तरह इस ड्रामे को देखा है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कहानी अच्छी है पर इसको डायरेक्ट अच्छे से नहीं किया गया है। और मुझे एक और बात समझ में नहीं आई कि थाई ड्रामा को इन लोगों ने थाई में ही क्यों डब किया। डबिंग की वजह से ड्रामा और बकवास हो गया था। बट एनीवे, आप लोग बताओ, आप लोगों को सुनने में ये ड्रामा कैसा लगा? क्या मैंने अच्छे से इस ड्रामे को एक्सप्लेन किया है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। मैं इस ड्रामे को 5/10 दूंगी। आप बताओ कि आप इस ड्रामे को कितने रेटिंग्स देंगे? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।